हाय एवरीवन, सो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा सेकंड पार्ट एग्जीबिशन वर्क का। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, तो आप वो भी देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये हैं क्ले इयररिंग्स, और ये मैंने, इनके जो आप शेप्स देख रहे हो, ये मैंने बहुत बेसिक चीज़ों से बनाए हैं। यू कैन यूज़ डिफरेंट साइज ऑफ बॉटल कैप्स टू क्रिएट दीज शेप्स। मोस्टली सर्कुलर और एलिप्टिकल शेप्स हैं। और जो डिज़ाइंस आप देख रहे हो, ये मैंने ब्रश से किया है। ये ब्रश के बैक साइड से आप इस तरह डॉट्स क्रिएट कर सकते हो। ये जो है, दिस आई हैव डन बाय स्प्रिंकलिंग कलर। ये और मोस्टली इनका जो लुक है, इट्स वेरी मॉडर्न एंड वेरी एब्स्ट्रैक्ट। एंड प्रेजेंटेशन के लिए आई हैव यूज्ड दिस स्क्रैप बुकिंग पेपर। ये मेरे पास ऑलरेडी था तब, और मुझे इसका प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी तरह देना था, तो मैंने ये आइडिया लाया माइंड में कि वी कैन यूज़ सम काइंड ऑफ यू नो ब्यूटीफुल स्क्रैप बुकिंग पेपर्स टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल लुक फॉर द इयररिंग्स। एंड ये जो आप टाइटल देख रहे हो, मेरे पास एक शीट थी जिसमें बहुत सारे टाइटल्स थे, तो उसमें से मैंने ये हेलो कट करके आई स्टिक इट। देन दीज आर क्राफ्ट फ्लावर्स, पेपर फ्लावर्स मैंने जो यूज़ किए हैं। दिस इज़ अ चिप बोर्ड, इट्स रिटन कॉन्फिडेंट, एंड दिस इज़ अ लेस। तो एंटायरली आपने इस तरह का प्रेजेंटेशन देखा होगा जो डिस्प्ले के लिए यूज़ करते हैं शॉप्स में। सो आई वाज़ वेरी इंस्पायर्ड बाय दैट। एंड दिस इज़ बाय द वे, दिस इज़ अ ग्रेट वे टू गिफ्ट समबडी इयररिंग्स। सो आप इस तरह डेफिनेटली किसी को गिफ्ट कर सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। और उस टाइम पे मेरे पास एक्चुअली हुक्स नहीं मिले थे, मुझे इतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने ये डायरेक्टली स्टिक कर दिए हैं इसके ऊपर पेपर पे। बट व्हाट यू कैन डू इज़, आप जिस तरह वो हमें शॉप्स में दे सेलर्स बाय यू नो प्रिकिंग होल एंड पीछे से वो हुक लगा देते हैं, तो आप वो कर सकते हो, होल प्रिक करके यू कैन पेस्ट अ हुक। और ये स्क्रैप बुकिंग पेपर काफ़ी पतला था, तो मैंने इसको सपोर्ट करने के लिए आई यूज अनदर काइंड ऑफ यू नो थिक कुछ कार्डबोर्ड शीट आप ले सकते हो। एंड देन आप उसको इस तरह के सेलोफिन पेपर के अंदर डाल के आप सेल कर सकते हो या फिर गिफ्ट कर सकते हो किसी को। सो इट्स अ ग्रेट आइडिया, सो डेफिनेटली ट्राई इट। सो नेक्स्ट आइटम है मिक्स मीडिया आर्ट। मिक्स मीडिया आर्ट इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ आर्ट स्टाइल इन विच यू कैन यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट मटीरियल्स और मीडियम्स टू क्रिएट वॉट एवर लुक यू वॉन्ट टू क्रिएट। ओके, सो इसमें मैंने क्या किया था, वी वर टोल्ड टू क्रिएट अ मिक्स मीडिया ऑन कैनवस जिसमें हमें पर्ल कलर्स यूज़ करने हैं, पर्ल एक्रेलिक कलर्स फेविक्रिल के, और क्ले से हमें कुछ उसमें क्रिएट करना है। तो ये दो चीज़ें यूज़ करनी ही करनी थी। सो व्हाट आई डिड वाज आई टुक अ कैनवस एंड देन मैंने उसको डिवाइड किया पार्ट्स में, एंड मैंने कुछ ये टेक्सचर्स क्रिएट किए। आई होप यू कैन सी इट इन द वीडियो। दिस इज़ द डिफरेंट टेक्सचर, दिस इज़ द डिफरेंट टेक्सचर। ये सर्कुलर पैटर्न है, देन यहाँ पे रिटन है कुछ, देन दिस इज़ अ ब्रिक टेक्सचर एट द बैक साइड, एंड देन आई यूज्ड दीज चिपबोर्ड्स टू क्रिएट फोर डिफरेंट काइंड ऑफ you know mixed media. Now the reason for creating this in parts is मैं mixed media पहले करती थी, and I was very used to do the mixed media on smaller areas like A5 size or A3 size, or no, sorry, not A3, A4 size. So I was not used to create it on such a piece, तो and that too canvas. तो मुझे वो risk नहीं लेना था, तो आई डिवाइडेड द कैनवस इंटू फोर पार्ट्स। और इसके पहले मैंने कुछ और बनाया था विच आई एब्सोल्युटली डिडंट लाइक, तो मैंने उसको पूरा क्लीन करके देन आई स्टार्टेड विद न्यू। सो आई केम अप विद दिस आइडिया, इफ़ आई कैन डिवाइड द कैनवस इंटू स्मॉलर पार्ट्स, सो आई विल बी मोर कम्फर्टेबल वर्किंग इन दिस एरिया। एंड वॉट यू कैन डू इज़, इस तरह अगर आपको भी ऐसा कुछ इशू है, देन what you can do is you can divide your you know canvas in parts, and then you can work on separate parts with a same theme and you can make it look cohesive. So that's what I did. मैंने इसमें थोड़ा nature का, birds का, flowers का theme लिया, and ये basically ये chipboards होते हैं जो आप use कर सकते हो। मैं ये सब कुछ डिटेल वीडियो रहेगा, इसमें मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ, बिकॉज अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से इसको कंपोज किया था पूरा। मेरे पास ये टाइटल्स की एक शीट थी जिसमें से मैंने वो स्टिक किए थे। देन ये जो आप देख रहे हो फ्लावर्स, ये मैंने क्ले से बनाए थे,
तो और उन पे पर्ल कलर्स किए थे. सो दैट्स अबाउट दिस. दिस वॉज ऑल्सो अ चिप बोर्ड, इट्स रिटन विद लव एंड ये पेपर फ्लावर्स थे मेरे पास, तो मैंने कैनवस को थोड़ा डेकोरेट किया. अगेन आई हैव यूज लेसेज इन दिस. देन ये भी मेरे पास एक पुराना फ्रेम था विच आई हैव यूज. आई डिड वाइट एक्रेलिक कलर ऑन दिस और ये काफ़ी रफ लुक था इसका, तो वो मुझे अच्छा लग रहा था. इट वॉज लुकिंग सॉर्ट ऑफ विंटेज ही, तो मैंने इसको ऐसे ही रखा. एंड या दिस इज अबाउट दिस वन. एंड ये एक्चुअली थे ये बेसिकली आपको वुडन कोस्टर्स मिलेंगे अमेजोन पे, ये आप ले सकते हो. मैंने इससे ये डेकोपाज एक स्टाइल है मिक्स मीडिया आर्ट का, जिसमें आप इस तरह से डेकोपाज करके उसके साथ मिक्स मीडिया भी यूज़ कर सकते हो. मैं डिटेल में डेफिनेटली आपको बताऊंगी. ये बेसिकली डेकोपाज इज यू कैन यूज़ डिज़ाइंड टिश्यू पेपर्स और डिज़ाइन नैपकिन्स टू क्रिएट दिस लुक. तो ये मैंने क्या किया था, मुझे ये वुडन कोस्टर्स बहुत अच्छे लगते थे, इनका लुक मुझे बहुत पसंद है. तो यू कैन यूज़ दिस, देन यू कैन यूज़ यू नो योर लाइकिंग ऑफ टिश्यू पेपर एंड अब उसको आप इस पर स्टिक कर सकते हो. देन उसको वो मॉड पॉज यूज़ करके यू हैव टू स्टिक इट. देन उस पर अगेन मेरे पास कुछ टाइटल्स थे जो मैंने स्टिक किए थे एंड आई यूज़ दिस ट्वाइन टू क्रिएट दैट वॉल हैंगिंग लुक एंड देन यू कैन यूज़ इट लाइक दिस. सो आई रियली लव दिस, काफ़ी डिफरेंट है. सो या दैट्स अबाउट दिस टू. देन ये मेरे पास मेसन जार था, इट वॉज लिटिल ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड, तो आई थॉट ऑफ यूजिंग इट. सो इसमें भी दिस इज़ ऑल्सो डेकोपाज, सो इसमें भी दिस इज़ अ डिज़ाइन यू नो पैटर्न टिश्यू पेपर जो मैंने यूज़ किया है. देन दिस इज़ कॉल्ड अ चिप बोर्ड टू गिव इट लिटिल यू नो वॉर्म लुक. देन दिस इज़ ट्वाइन, दिस इज़ अ पेपर फ्लावर. सो या दैट्स अबाउट दिस वन. सो ये तीनों मेरे मिक्स मीडिया के आइटम्स थे जो आप देख रहे हो एंड आई रियली लव दीज. This is a beautiful art style. Definitely, actually this art style is very challenging, I feel at times. Because क्या होता है, you have so much of art material. और मतलब इसमें इतने options हैं आपको कुछ create करने के लिए look. You know, sometimes you get confused. And everything is very beautiful in this. If you are into, completely into mixed media, you can understand this thing. Like, it's a beautiful art medium to work with. And it's great way to express yourself. It's very beautiful, seriously. So yeah, let's move on to next one. So the next are these stone art. ये actually जो stones आप देख रहे हो, I was traveling to Rishikesh and मुझे ये वहाँ पर मिले थे. So these were really very beautiful stones and they're really heavy and you know the surface area is also very nice. तो मैं काफ़ी सारे लेके आई थी वहाँ से. सो इस पर जो मैंने किया है, दिस इज़ कॉल्ड डॉट पेंटिंग. ये आप अगेन घर में जो आपके पास है डिफरेंट हाउस होल्ड चीज़ें जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के डॉट्स क्रिएट कर सकते हो, यू कैन यूज़ देम. और एल्स आपको एक किट आता है जिसमें डॉट पेंस होते हैं, अमेज़ॉन पे मिल जाएगा आपको, आप उससे भी ये क्रिएट कर सकते हो. इसका मैं एक सेपरेट वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी स्टोन आर्ट का. दिस इज़ वेरी मेडिटेटिव एंड समहाउ इनका प्रेजेंस ही बहुत अच्छा लगता है इंटीरियर्स में. इट रियली मतलब आप इनको ऐसे ही रख दो किसी कॉर्नर में विद सम नाइस डेकोरेटिव थिंग्स, दे लुक रियली वेरी वेरी नाइस एंड वेरी प्रिटी एंड इट लुक्स वेरी काम व्हेन दे आर देयर. सो या इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए. This is done with complete white acrylic. इसको मैंने पहले base coat किया था black से दोनों को and then different different colors, acrylic colors use करके different size के dot pens लेके मैंने ये पूरा create किया था. एक और था जो sell हो गया है but I have these two and they look really nice in your garden area as well. आप इनको plants के साथ रख सकते हो, मैंने वैसे ही रखा हुआ है ना. and yeah it looks really nice. So let's move on to the next one. So the next are these bags. I really love them a lot. I love them so much that I don't even use them. मुझे बस ये I like the look of them and the presence of them. So I'll tell you how I made it.
ये बेसिकली मैंने बनाया है वेजिटेबल स्टैम्पिंग से। आपने पार्ट वन अगर देखा होगा तो उसमें मैंने कुशन क्रिएट किया था गुड वाइब्स वाला, जिसमें मैंने वेजिटेबल स्टैम्पिंग यूज़ किया था। इसमें भी मैंने जो इसके आईज़ हैं मैंने कट किए थे, पोटैटो को इस शेप में कट करके उसको स्टैम्प किया था। ये जो आप हार्ट शेप देख रहे हो ये भी एक एक पोटैटो का वो कट किया हुआ था। एंड देन आई क्रिएटेड दिस फ्लावर, ये भी मैंने पोटैटो से बनाए थे ये लीव्स। सो इसका इंस्पिरेशन मुझे पिंट्रेस पे मिला था, बट दैट वाज रियली वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैज़ बीन यू नो ऑन दिस बैग। सो बट या मोर और लेस सिमिलर। सो या तो बेसिकली ये पूरा एक्रिलिक से बनाया था और वेजिटेबल स्टैम्पिंग से क्रिएट किया था। और ये जो आप डिज़ाइंस देख रहे हो फिलर्स के लिए मैंने बीच में ये ब्रश से किया था। सो या दिस इज ऑल्सो विद द पोटैटो। सो या दैट्स अबाउट दिस वन, दे लुक रियली नाइस। आप दोनों साइड बना सकते हो, मैंने एक ही साइड बनाया था। देन यू कैन ऑल्सो पेंट दीज थिंग्स, बट उस टाइम मेरे पास इतना टाइम नहीं था, सो आई जस्ट डिड इट विद दिस एंड आई रियली लाइक दिस स्टाइल ऑफ क्रिएटिंग इट। देन दिस वॉज फ्लेमिंगो, जो मैंने पिंटरेस्ट से ही लिया था। फ्लेमिंगोज आर वेरी मच इन ट्रेंड राइट नाउ, सो आई रियली लव दिस वन ऑल्सो। सेम स्टाइल सेम टेक्निक, ये नॉट वेजिटेबल प्रिंटिंग, दिस वॉज डन विद हैंड स्केचिंग था, देन मैंने उसको पेंट किया था। सो या दैट्स अबाउट दिस टू। ये बैग्स आपको अमेजोन पे डेफिनेटली मिल जाएंगे, मेरे को चार के सेट में मिले थे। सो आई पेंटेड टू ऑफ दीज। सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आइटम इज दिस कोस्टर्स। ये एक्चुअली जो आप बेस इनका देख रहे हो ये मैंने जो फेम के शॉप्स होते हैं वहाँ से लिया था। उनके पास MDF रहता है तो मैंने उनसे MDF के स्लाइसेस कट करवा के देन आई मेड दीज। मैंने दो स्टिक किए थे बिकॉज दिस वॉज वेरी थिन, तो इस पर पहले आपको पूरा प्राइमर करना है। देन आई हैव यूज्ड एक्रिलिक टू क्रिएट दीज डिज़ाइंस। मैंने काफ़ी ज्योमेट्रिक रखा है इनका स्टाइल। सो या इसमें नथिंग मच टू से अबाउट दिस वन, बट या दीज आर सिंपल डिज़ाइंस विद यूज विद ब्रश एंड अगेन दीज डॉट्स। सो वेरी ज्योमेट्रिक नॉर्मल पैटर्न्स। सो या यू कैन ट्राई दीज ईजीली। बस ये MDF आपको डेफिनेटली मिल जाएगा फ्रेम शॉप पे, एंड यू कैन गेट दीज ऑन अमेजोन एज वेल। आपको मिलेगा अमेजोन पे MDF के कोस्टर्स फॉर यूजिंग इट एज क्राफ्ट मटेरियल। सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट आइटम है ये कुशन कवर। ये बेसिकली फुलकारी स्टिचिंग है, जो पंजाब का फोक एम्ब्रॉयड्री है। ये नॉर्मली थ्रेड से करते हैं, बट फेविक्रिल के आउटलाइनर्स आते हैं, नियॉन आउटलाइनर्स, जो आप यूज़ करके ये पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। सो फुलकारी इज़ ऑल अबाउट यू नो फ्लावर्स, बट इसमें काफ़ी ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स और मोटिव्स यूज़ होते हैं जिनको यूज़ करके आप फ्लावर पैटर्न्स बना सकते हो। सो अपने पंजाब के वो जो फुलकारी दुपट्टा होता है उन पे जो पैटर्न्स होते हैं, तो वो सेम मैंने कुशन कवर्स पे यूज़ किए। सो दिस इज़ एन ईजी वे टू क्रिएट दैट लुक बाई यूजिंग आउटलाइनर्स। सो मैंने इनको पहले ट्रेस किया था, एक एक मोटिव को ट्रेस किया था इस पैटर्न में जैसा मुझे चाहिए था, एंड देन आई यूज्ड आउटलाइनर्स टू फिल इन दीज लाइंस। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था बिकॉज मैं आउटलाइनर्स इतना यूज़ नहीं करती थी, सो इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू यू नो क्रिएट दिस। बट यू डोंट हैव टू बी वेरी परफेक्ट इन दिस, इट लुक्स रियली नाइस। कहीं कहीं पे नहीं हुआ था मेरे से, बट आई केप्ट इट लाइक दैट एंड इट लुक रियली नाइस। वो थ्रेड वाला लुक मिलना इज़ वेरी डिफिकल्ट विद आउटलाइनर्स, बट या ओवरऑल इट लुक्स नाइस। सो ये इसमें ऑलरेडी टैसल्स लगे हुए थे, मैंने ये एज इट इज़ कुशन कवर ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, सो मुझे अच्छे लगे थे काफ़ी। सो या आप ये भी ट्राई कर सकते हो, दिस इज़ अ ग्रेट DIY फॉर होम डेकोर। सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट थिंग, दैट इज़ फोक आर्ट। सो हमारा लास्ट सेक्शन है फोक आर्ट का। सो फोक आर्ट के लिए वी वर टोल्ड कि हम फोक आर्ट कर सकते हैं ऑन एनी ऑब्जेक्ट और ऑन कैनवस। तो मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स पे किया है, कुछ कैनवस पे किया है। सो दिस इज़ कलमकारी विच इज़ फ्रॉम आंध्र प्रदेश।
सो दिस इज़ बैक पे मैंने इसको किया था, तो मैंने पहले डिज़ाइन ट्रेस किया था एंड देन मैंने फिल करके देन आउटलाइन किया था. नाउ कलमकारी इज़ बेसिकली डन विद वेरी यू नो डार्क कलर्स होते हैं, थोड़े से मरून एंड ब्लू, तो उस शेडी शेड्स होते हैं थोड़े से, तो मुझे वो थोड़ा सा नहीं करना था. आई वॉन्टेड समथिंग वेरी ब्राइट, सो दिस इज़ कॉल्ड पेन कलमकारी, जो काफ़ी ब्राइट कलर्स में करा जाता है, तो मैंने वही चूज़ किया था. देन ड्रॉ करके, कलर करके, देन आउटलाइन, एंड देन ये जो हैंडल्स पे, एक्चुअली आई हैड अ लहरिया दुपट्टा जिसमें ये पॉम पॉम्स थे, एंड एट दैट टाइम टाइम कंस्ट्रेंट था, तो आई कुडंट फाइंड दिस इन मार्केट, तो मैंने उसमें से ही निकाल लिया अपने दुपट्टे में से, एंड आई अटैच्ड इट ओवर हियर. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टाइल, कुछ हैंडल्स पे अटैच करना बैग्स के, इट लुक्स रियली पर्सनलाइज. आप बीज अटैच कर सकते हो, यू कैन अटैच टैसल्स और यू नो लाइक पॉम पॉम्स, एनी थिंग. सो अच्छा लगता है हैंडल्स पे अटैच करना, एंड दिस डिज़ाइन यू कैन मेक इट ऑन बोथ साइड्स और अच्छा लगेगा, बट ऑब्वियसली टाइम नहीं था तो मैंने एक ही साइड पे करके देन आई डिस्प्लेड इट. सो नेक्स्ट है ये मधुबनी आर्ट, दिस इज़ फ्रॉम बिहार, एंड ये मैंने एक बॉक्स पे किया था. आई हैड दिस बॉक्स, इट वॉज़ वेरी स्टर्डी एंड वेरी गुड क्वालिटी, तो इस पर मैंने ये पहले इसके कवर पे इसको ड्रॉ किया था एंड देन आई फिल्ड इट, एंड देन आउटलाइन मैंने यहाँ पे परमानेंट ब्लैक मार्कर से की थी. सो दिस इज़ अ ग्रेट वे, एंड दिस वॉज डन विद गोल्ड एक्रेलिक कलर. So this is a great way to create folk art on objects and gift it to someone or sell it also. So folk arts basically hum log canvas pe to we do on papers as well, but doing it on objects really makes it look very personalized gift item. So do give it a try. Next is this gondart Madhya Pradesh ka folk art hai. एंड इसमें अगर आप देखोगे इंटरनेट पे तो काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स यूज़ होते हैं, काफ़ी सारे फॉर्म्स होते हैं. आई हैव केप्ट इट वेरी सिंपल बिकॉज ऑफ टाइम इशूज़, मैं ज़्यादा नहीं कर पाई थी. सो ये मैंने वाटर कलर शीट पे किया था, और इसमें अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे एनिमल्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, बर्ड्स होते हैं, लीव्स होते हैं, और बहुत डिटेल्ड होता है ये. सो इसमें जैसे ये जो लाइन्स हैं ये मैंने वाइट पेन से क्रिएट की थी, देन इसको ड्रॉ करके कलर किया था एक्रेलिक से. एंड ये जो आप देख रहे हो प्रेजेंटेशन के लिए, थोड़ा स्पॉइल हो गया है यहाँ से. ये मैंने माउंट बोर्ड यूज़ किया था जो मेरे पास घर पे था, मैंने उसको ब्राउन एक्रेलिक कलर किया था थोड़ा सा फ्रेमिंग इफेक्ट के लिए. देन मेरे पास ये एक आई थिंक आईपैड या किसी का कुछ पैकिंग का कवर था जो मैंने यूज़ किया था उसको थोड़ा स्टडी करने के लिए. इसमें ऑलरेडी इस तरह का हैंगिंग कुछ दिया हुआ था. देन आई अटैच दिस ट्वाइन टू मेक इट एज अ वॉल हैंगिंग. सो आई रियली लाइक दिस वन, इसका ओवरऑल प्रेजेंटेशन काफ़ी इंडियन फील देता है इसको. सो यू कैन ट्राई दिस वन, इट्स वेरी ईजी टू ड्रॉ एंड क्रिएट, एंड देन आपको इस तरह हैंग कर सकते हो अपने घर पर. देन द लास्ट वन इज़ दिस तंजोर पेंटिंग. ये दिस वॉज वेरी डिफ़िकल्ट एक्चुअली, इट वॉज़ वेरी टाइम टेकिंग. ये मैंने पहले ट्रेस किया था कैनवस पे, एंड देन ये गोल्ड कलर फिल किया था एक्रेलिक, एंड देन गोल्ड आउटलाइनिंग की थी, और ये जो आप कलर्स देख रहे हो दे आर ग्लास कलर्स से थोड़ी सी शेडिंग की थी, एंड यहाँ पे दिस इज़ अगेन अ गोल्ड एक्रेलिक. सो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, दिस इज़ वेरी टाइम टेकिंग. ये साउथ इंडिया का पेंटिंग स्टाइल है जो एक्चुअली गोल्ड से करते हैं, तो यू कैन गिव दिस अ ट्राई. ईजी है बट टाइम टेकिंग है. और yeah, that's about this one. So I'll end the video here. I hope you like it, and if you have any questions, please comment in the comment section below, or you can post me on Facebook, or you can mail me even. And मैं part one का link नीचे description box में definitely share कर दूँगी, तो आप detail में देख सकते हो उसमें क्या products थे. और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने नहीं दिखाए हैं बिकॉज वो सेल हो चुके हैं, बट जो भी मैंने आपको प्रोडक्ट्स दिखाए हैं, जो भी आर्ट स्टाइल्स दिखाए हैं, इन सब का एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी, तो आप डिटेल में आप देख सकते हो कि उसमें प्रोडक्ट्स क्या यूज़ होते हैं, हम उनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट स्टाइल्स को डिफरेंट वेज में, सो दैट आप अपने होम डेकोर में वो चीज़ें यूज़ कर सकते हो. सो या stay creative and stay happy. Thank you.